हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, वो है एक ब्लॉग टाइप। एक्चुअली ब्लॉग टाइप का मेरा पैशन नहीं है, फिर भी जिस जगह पे आया हूँ ना, उस जगह के लिए आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में शायद आप लोगों को अच्छा लगने वाला है, मेरे को मालूम पता चल रहा है क्योंकि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस यहाँ का जो खूबसूरती है, खूबसूरत जगह है, इस जगह को मैं आप लोगों को कैमरा की जरिए से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जगह है एक टी गार्डन। क्योंकि हमारे आसाम में जो ये टी गार्डन है, वो टी गार्डन बहुत फेमस होती है, इसीलिए मैं आप लोगों को इस टी गार्डन को कैमरे के जरिए आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। आइए हम लोग देखते हैं इस टी गार्डन को। मैं फ्रंट कैमरा ओपन कर रहा हूँ। आप ये अभी जो आप देख रहे हैं वो है पहाड़ से गिरते हुए पानी। ये पानी जितना ठंडा है ना, हम लोग हाथ लगा के भी वो बर्फ से ज़्यादा ठंडा लग रहा है। ये इस हाथ लगाने में यहाँ पे इतना ठंडा महसूस होता है कि मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि मैं बर्फ़ में हाथ लगाए, और हम लोग इस पहाड़ से बहते हुए पानी को देखते हुए हम लोग जब ऊपर की तरफ देखते हैं ना, आइए देखते हैं, ये होता है टी गार्डन। अरे इतना जगह है, इतना सजाया है इस टी गार्डन को, देख लीजिए एक बार, देखने में आपको दिल खुश हो जाएगा। लेकिन दिल तो हम लोग को देखने में खुश हो जाता है, और जो लोग ये जो सजाता है ना, जो लोग लेबर वगैरह देखे, जो लोग ये सजाता है, वो लोगों को बहुत कष्ट हो जाता है, क्योंकि देख लीजिए इतना खूबसूरत निशाना हम लोगों को ये बनाता है वो लोग। हम लोग जब यहाँ पे घूमने आते हैं, इसका जो नेचुरली जो फ्रीडम है, हम लोग इस नेचुरली फ्रीडम को हम लोग उपभोग करने के लिए कुछ समय के लिए यहाँ पे आते हैं। इस नेचुरल फ्रीडम को हम लोग सभी लोग उपभोग करते हैं, इसीलिए हम लोग कभी कभी यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि हमारे लाइफ में फर्स्ट इस जगह पर आया हूँ। अभी मैं पहाड़ पे उठ रहा हूँ यार, इतना इजी जगह नहीं है, बहुत कष्ट का जगह है, फिर भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख लीजिए, जब मैं ऊपर उठ जाऊँगा ना, तब नीचे में कैमरा घुमा के दूँगा कितना ऊपर उठ रहा हूँ। आप लोगों को शायद कैमरे के जरिए से पता नहीं चल रहा है मैं कितना ऊपर उठ रहा हूँ, कोई बात नहीं है, मैं जब नीचे लगाऊंगा ना तो आपको लोगों को पता चलेगा मैं कितना ऊपर उठ रहा हूँ। और यहाँ पे जो निशाना होना हर जगह पे आप लोग की टी गार्डन मिलेगा, और टी गार्डन इतना अच्छा लगता है यार, मेरे को तो इच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जिंदगी भर रह जाऊँ, क्योंकि यहाँ का पानी, हम लोगों को खाने का जो पानी है ना, वो पानी मेरे को पसंद नहीं आया, इसीलिए एक ही कंडीशन में मेरे को पसंद नहीं आया, फिर भी वो सिर्फ पानी है तो कोई बात नहीं है, कहीं पे तो कुछ ना कुछ चीज़ कमी होता है, शायद यहाँ पे थोड़ा पानी का कमी है। जो लोग फिल्टर करते हैं, जो लोग ये सब करते हैं, उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे भी। और तामूल का बगान भी लगा चुकी है, देख लीजिए, और ऊपर इतना ऊपर मैं उठने वाला नहीं हूँ, आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देख लीजिए इतना वो नीचे से हम लोग आया है, आप लोगों को शायद इस वीडियो के जरिए से देखा था, उस नदी को मैंने दिखाया था, इतना ऊपर मैंने उठ के आया आप लोगों को दिखाने के लिए। फिर भी मैं अभी इस ब्लॉग को इतना लंबी नहीं करने वाला, क्योंकि पहला ब्लॉग है, बट हमको ये पैशन नहीं है, आप लोगों को सिर्फ दिखाने का इंस्पायर जग रहा था मेरे दिल में, इसीलिए मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, जितना दूर तक आपको आग जा रहा है ना, उससे भी ज़्यादा दूर तक ये टी गार्डन है, शायद आप लोगों को पता चल गया। देख लीजिए इतना ऊपर है, वहाँ पर है, यहाँ पर भी है, सब जगह पे है, और वहाँ पे सारा इतना जंगल है, इतना जू है, खाला हमारे असम गुवाहाटी का जो चिड़ियाखाना है ना, उसमें भी उससे भी बहुत भयंकर जगह इस जगह में मेरे को लगता है। लेकिन यहाँ पे भी कोई जानवर नहीं है, ये होता है, यहाँ पे जानवर नहीं है, इसीलिए शायद आप लोगों को अच्छा लग गया। कोई यहाँ पे आदमी रहता है इसीलिए शायद नहीं होगा। मैंने इस गार्डन का जो मालिक था ना, उस मालिक से मैंने पूछा था कल, आज मेरे सामने नहीं है, मेरे सामने होता तो उसको साथ में वीडियो बनाता था, बनाया होती थी, लेकिन उन्होंने बोला था आज से 28 साल पहले इस जगह को उन्होंने, इस बगान को सजाया है। शायद आप लोगों को पता ही चल गया, इतना खूबसूरत निशाना बनाया है हम जितना टूरिस्ट के लिए।
हम लोगों को, अरे टूरिस्ट के लिए नहीं है, जो आते हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि उन लोगों का कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, क्योंकि शायद उन लोगों को देना पड़ता है, देना से उन लोगों का थोड़ा खुश हो जाता है, जो लेबर वगैरह होते हैं उन लोग इतना कष्ट करके यहाँ पे आते हैं, शायद हम लोग दे नहीं पाते हैं। तो गाइस इतना ही तक रख सकता हूँ मेरा वीडियो, और ज़्यादा लंबी नहीं करने वाला, और मैं थोड़ा उस तरफ में थोड़ा ऊपर करके दिखा रहा हूँ, देख लीजिए मेरा कैमरा भी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, देख लीजिए मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं है फिर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ देख लीजिए, हाँ अरे जैसा है वैसा ही कर रहा हूँ, कोई बात नहीं है, आप लोग देख लीजिए। ये जो अभी जो इसका नया आने के लिए काम कर लिया, जो नया जब पत्ता आएगा ना उसके लिए उन लोगों को एक कट डाला, जब नया कुछ लेके आ जाएगा वहाँ पे भी कटा नहीं, वहाँ पे भी बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ पे मैंने आया है तो देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, जब मैं वहाँ पे जाऊँगा फिर भी वहाँ से भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एक समान हो जाता है ना ये टी गार्डन जो होता है, एक समान हो जाता है, देखने में भी अच्छा था, लाइन के लाइन हो जाते हैं ना, इसलिए बहुत अच्छा लगता है ये लाइन की लाइन। तो थैंक यू गाइस मेरे इस यहाँ तक मेरे वीडियो के साथ देखने के लिए, थैंक यू गाइस।